का स्वागत कर रहा हूं मेरे एक और नए वीडियो में, जहां अभी हम बात करने वाले हैं मई का जो महीना अभी आ रहा है ये किस प्रकार से आप लोगों के लिए रहने वाला है। अगर आपका मेष लग्न है तो आप ये चार्ट देख सकते हैं, आपका कुछ इस प्रकार से चार्ट बनेगा मेष लग्न के लिए मई का, अगर हम गोचर देखेंगे तो चलिए अब देख लेते हैं ये जो गोचर है इसका रिजल्ट आपको क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ हम सबसे पहले ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था को देखेंगे, किस प्रकार से ग्रह गोचर करने वाले हैं, इसके बाद इस कुंडली की प्लेसमेंट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें सूर्य की गोचर में, तो सूर्य का जो ट्रांजिट होने वाला है 14 मई तक ये मेष राशि में रहने वाले हैं, इसके बाद ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे बुध के गोचर को, तो बुध 10 मई से मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 31 मई को यानी लगभग मंथ एंड में इनका गोचर चेंज होगा, वृषभ राशि में फिर ये प्रवेश करेंगे। शुक्र का गोचर 19 मई तक मेष राशि में होगा, इसके बाद ये वृषभ राशि में चले जाएंगे। मंगल मीन राशि में रहने वाले हैं मई महीने के दौरान। इसके साथ साथ गुरु का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रांजिट जो कि चेंज होगा 1 मई से, और 1 मई से ही ये वृषभ राशि में गोचर करने लगेंगे। शनि कुंभ राशि में अभी गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा 1 मई को मकर राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे, राहु मीन में और केतु कन्या राशि में ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। तो राहु और केतु के गोचर में कोई भी चेंज नहीं है, ना ही शनि के गोचर में कोई चेंज है फिलहाल। तो अब हम देख लेते हैं इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो आपके लिए कैसा आएगा। देखिए यहाँ सबसे पहले हम मंगल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम हमेशा लग्न से ही शुरू करते हैं और लग्नेश जो है आपका वो मंगल है। मंगल का जो ट्रांजिट हो रहा है, देखिए मंगल का ट्रांजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस मंथ में आपके लिए, आप बिल्कुल भी मंगल के ट्रांजिट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मेन राशि में मंगल का गोचर हो रहा है और राहु के साथ मंगल स्थित है 12वें भाव में इस महीने में। तो ये महीना रिलेशनशिप के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है आपके लिए, साथ ही ये पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है, इवन आपके ऊपर कुछ लीगल कार्रवाई वगैरह भी हो सकती है। आप कुछ अगर इलीगल कार्यों में पड़े हैं या ऐसा आपने कोई काम करा है जो कि कानून के खिलाफ है, या आपने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करा, वाद विवाद करा है, तो ये आपको काफ़ी परेशानी दे सकता है। दूसरा, ये आपके करियर को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि यहाँ मंगल वैसे लग्नेश हैं लेकिन इनका जो दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पर भी है, तो आपको वर्क प्लेस चेंज करना पड़ सकता है, या वर्क प्लेस पे जो आपके कलीग्स हैं या आपके जो बॉस हैं उनसे आपका काफ़ी झगड़ा जैसी स्थिति रह सकती है, एक लड़ाई या फाइट जैसी स्थिति रह सकती है, ये आपको झेलना पड़ेगा इस मंथ में। तो अब हम अगर देखेंगे तो लग्नेश होकर जब भी 12वें भाव में इस प्रकार से मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं, हाँ यहाँ पर आप अगर विदेश में हैं, ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं या अभी अभी विदेश गए हैं, तो ये स्थिति कुछ हद तक आपको विदेश में ज़्यादा सफलता दिला सकती है। साथ ही राहु मंगल का यहाँ अंगारक दोष बन रहा है, अंगारक दोष बनने की वजह से थोड़ा आपकी हेल्थ को खतरा हो सकता है। अब मंगल क्योंकि 8वें घर के भी स्वामी है, मंगल 8वें घर के स्वामी होने की वजह से अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, आध्यात्म में हैं, या कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप पूजा पाठ या बहुत ज़्यादा साधना कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा काफ़ी फास्ट मिलेगा। अब इस दौरान जो स्थिति बन रही है मंगल की, उसमें मेनली आपका जो फोर्स है, आपका जो पावर है बॉडी का, वो रॉन्ग वे से काम करेगा या वो रॉन्ग साइड से काम करेगा, तो ऐसे कंडीशन में आप अपनी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल यहाँ नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो मंगल का जो दृष्टि आ रहा है, मंगल का दृष्टि आपके तीसरे भाव को मिल रहा है, तीसरे भाव को मंगल का जब एस्पेक्ट मिलता है तो ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा क्रूरता लिए हुए हो सकता है, बहुत ज़्यादा आक्रामक हो सकता है वो, और वो अपने स्पेशली भाइयों के साथ रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब कर सकता है इस ट्रांजिट के दौरान, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। साथ साथ आपको कोई इस मंथ में ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे आपको खुद को नुकसान हो जाए, भले ही आप कोई आक्रामक कदम उठाने जा रहे हो। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मंगल का जो दृष्टि आ रहा है राहु के साथ साथ, राहु भी क्योंकि 6ठे भाव को देख रहे हैं, तो ये आपके वर्क प्लेस को चेंज करवा सकता है, इवन इस मंथ में आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मंगल का जो दृष्टि है वो आपके 7वें भाव को मिल रहा है, 7वें भाव को मंगल का एस्पेक्ट जब मिलेगा तो ये आपका मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट क्रिएट करेगा। अगर आपका किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप है तो जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप अभी तक चल रहा था, वो व्यक्ति आपको काफ़ी ज़्यादा धोखा दे सकता है या वो आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगा सकता है, तो एक कैरेक्टर वाइज भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ साथ आप किसी भी अदर पर्सन के साथ जब बिहेव करने जाएंगे तो आपका बिहेवियर काफ़ी ख़राब हो सकता है इस मंथ में, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे
शुक्र को। शुक्र जो कि दूसरे घर और आपके सातवें घर के ही स्वामी बनते हैं। शुक्र का गोचर अगर हम देखेंगे तो शुक्र का जो ट्रांजिट है 19 मई तक, क्योंकि मेष राशि में, 19 मई तक जब तक शुक्र मेष राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, या आपकी क्रिएटिविटी और कुछ हद तक जो जिन लोगों का मैरिज नहीं हुआ अभी तक, उन लोगों के लिए एक अच्छी स्थिति है। बट इस समय क्योंकि लग्नेश का ट्रांजिट अभी राहु के साथ है, तो आपको काफ़ी कॉन्शियस भी रहना पड़ेगा। बट जो लगन का शुक्र है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो कुछ हद तक आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी या वीनस से रिलेटेड जो भी फील्ड हैं, जैसे कि कोई आर्टिस्टिक फील्ड से आप जुड़े हैं, या आप डांस या सिंगिंग से जुड़े हैं, तो एक बेटर रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। बट शुक्र जो है यहाँ पे दूसरे घर के स्वामी होने के साथ साथ आपको धन की बहुत अच्छी स्थिति को दिखा रहे हैं। और इस समय अगर आप इंडिविजुअली अपने परिवार में बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करने वाले पर्सन हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल हो सकता है। फिर शुक्र यहाँ से चेंज भी होंगे। शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा, 19 मई से ये वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ में प्रवेश करने के बाद आपके खर्चे बहुत अधिक हो सकते हैं, खाने पीने की या ज़्यादातर मीठी चीज़ें खाने की ऐसी इच्छा आपको बहुत ज़्यादा हो सकती है। आप इस समय अपनी फैमिली के साथ कोई पार्टी वार्टी कर सकते हैं कुछ, या फैमिली के साथ मिलकर इंजॉय कर सकते हैं, तो ये एक इंजॉय करने का भी समय आपके लिए रहेगा। बट यहाँ पर जो आपको सबसे ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप के लिए, और इंडिविजुअली आप कोई ऐसा गलत डिसीजन ना ले लें जिससे आपको नुकसान हो जाए। तो शुक्र का दूसरे घर में जाना धन की वृद्धि करेगा, और आप ऐसा जो धन आएगा उसको एकदम इंजॉय करने को देखेंगे। आप ज़्यादा सेविंग वगैरह पे ध्यान नहीं देंगे। तो 19 मई के बाद इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है कि आप अपना कोई ना कोई एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे, कोई बहुत बड़ा खर्चा करेंगे, इवन प्रॉपर्टी वगैरह, या अपने लिए कुछ गाड़ी वगैरह के लिए, या आप कोई फ्लैट वगैरह खरीदने के लिए ऐसा खर्चा कर सकते हैं, या फिर फैमिली के लिए भी कोई इंडिविजुअली आप खुद से कोई खर्चा कर सकते हैं, या कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो ये जो समय है ऑलमोस्ट जो 19 तारीख के बाद का है, ये बेटर स्थिति रहेगी आपके लिए। इसके साथ ही देखिए एक और यहाँ पे जो बहुत अच्छी बात, जो यहाँ कंजक्शन जो बन रहा है, शुक्र और गुरु का कंजक्शन बन रहा है, तो ये समय आपके लिए फाइनेंशियली अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो आप अपने लिए, कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन, या कोई भी आप मनी स्पेंडिंग से रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हो, तो इस समय आप प्लान कर सकते हो। उसके बाद अब हम देखेंगे बुध को। बुध 10 मई से मेष राशि में प्रवेश करेंगे, और यहाँ पर इनकी जो स्थिति है मेष राशि में, ऑलमोस्ट यहाँ पे सूर्य के साथ ही रहने वाले हैं, साथ साथ में यहाँ शुक्र भी हैं, तो शुक्र की तो हमने जब अभी बात की है, तो यहाँ पे बुध जो हैं, देखिए आपकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा बढ़ती है, या आपका कम्युनिकेशन और ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप कोई टीचिंग या कोई ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड काम होता है, जहाँ पर वाणी से रिलेटेड काम होता है, जहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम होता है, तो बुध का ट्रांजिट आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है। और बुध लगभग 10 मई के बाद 31 मई को चेंज होंगे, तो पूरे महीने ही आपके लगन में रहने वाले हैं। तो आप अगर कोई भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो बुध यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी वाणी पर बुध का जो असर है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, साथ साथ आपको पर्सनली भी जो पर्सनैलिटी आपकी है उसके ऊपर एक गहरा इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपके लिए अब बुध कुछ हद तक डिसीजन मेकिंग में अच्छी सहायता करेंगे, क्योंकि आपके जो लग्नेश है वो तो राहु के साथ कंजक्शन में है, तो अब यहाँ आपको इसका जो उपयोग है बुध के गोचर का, वो बहुत अच्छा करना चाहिए, और आपको प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आके या बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करके कोई ऐसा डिसीजन ले लें, अब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आके कोई रॉन्ग डिसीजन ले लें और फिर आपको नुकसान हो जाए। तो बुध का गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब बुध जो है वो आपके छठे घर के भी स्वामी, छठे घर के स्वामी होने की वजह से इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है कि आपको कार्य क्षेत्र में जो भी बाधाएं आ रही हैं फिलहाल, आप उनको इजीली दूर भी कर लेंगे। ये आपको बुध जो सपोर्ट कर रहे हैं, इसी वजह से आप ऐसा कर पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ चंद्रमा को। चंद्रमा का गोचर देखिए, इस मंथ के स्टार्टिंग में 1 तारीख का जब हम जैसे गोचर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 तारीख का ही गोचर हम दर्शाते हैं आप लोगों के लिए, और ये मकर राशि में चंद्रमा का गोचर रहेगा 1 मई को। तो चंद्रमा का जो 1 मई का गोचर है, ये कुछ हद तक ये दिखाता है कि आपका जो फोकस है मेनली कार्य क्षेत्र पे, या अपने बॉस के साथ जो रिलेशन हैं उन पर, और घर परिवार पर सम्मिलित रूप से रहने वाला है।
यहाँ जो चंद्रमा की स्थिति है ये लगभग 1-2 दिन के लिए बनती है। तो आपको अगर कोई अपने प्रोफेशन वाइज कोई ऐसा डिसीजन लेना है या कोई ऐसी प्लानिंग करनी है तो आप वो इन 2-3 दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा यहाँ से चेंज होंगे, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल समय रह सकता है आप लोगों के लिए। तो ये लगभग 2-3 तारीख के आसपास ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ वो शनि के साथ क्लोज कंजक्शन में होंगे। तो यहाँ 11वें भाव में चंद्रमा का आना आपको क्विक कहीं ना कहीं से मनी दिला सकता है, धन दिला सकता है। अगर कहीं आपका पैसा रुका हुआ है, आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग फील नहीं करेंगे हालांकि, पर फिर भी धन संबंधी फायदा जरूर हो सकता है। इसके साथ ही फिर चंद्रमा गोचर करेंगे 12वें भाव में। 12वें भाव में चंद्रमा का गोचर होना या आपकी माता जी के साथ आपके संबंध बिगाड़ सकता है, आपसे कोई बहुत बड़ा गलत डिसीजन हो सकता है, इवन अपनी फैमिली के लिए भी आप इस समय कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं सूर्य के गोचर को। सूर्य आपके 5वें घर के स्वामी है और सूर्य जो है मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो 14 मई तक का इनका जो गोचर है वो मेष राशि में है, इसके बाद इनका गोचर होगा वृषभ में भी। तो देखिए ये जो स्थिति है, अगर आप कोई बहुत हायर लेवल का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी कोई ऐसे फील्ड में हैं जहां पे बहुत ज़्यादा आपकी रेपुटेशन है, आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, प्रशासनिक कोई बहुत बड़े पद पे हैं आप, तो इस समय सूर्य का सपोर्ट आपको बहुत बेटर मिलेगा। इवन फादर का सपोर्ट भी आपको इस मंथ में अच्छा मिलेगा, हालांकि फादर के साथ कुछ हद तक मतभेद भी हो सकते हैं आपकी, बट जो सूर्य है ये दिखाते हैं अगर आपको IAS लेवल का या ऐसा कोई एग्जाम वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये समय काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ ये जो स्थिति है सूर्य की वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है जो पॉलिटिक्स में है या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ ये आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर सकता है, मान सम्मान में वृद्धि कर सकता है, इवन आपकी जो क्रिएटिविटी है या आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो एबिलिटी है उसमें काफ़ी वृद्धि कर सकता है। बट ये रिलेशनशिप के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर अगर फाइनेंशियली कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो तो अभी आप ले सकते हो। इसके बाद सूर्य जाएंगे सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में सूर्य का जाना जो भी लोग स्टॉक मार्केट वगैरह से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। साथ ही साथ अब आपको 14 मई के बाद इस बात की बहुत हद तक पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट वगैरह से या कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट की ट्रिक से अर्न कर सकते हो जहाँ पे आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। तो यहाँ पे जो सूर्य की स्थिति है सेकंड हाउस में सूर्य का ट्रांजिट, ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। इसके साथ साथ मनी वाइज जो आप डिसीजन लेने वाले हैं, अपने धन से रिलेटेड जो फैसले करने वाले हैं वो भी आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे, तो इसका लाभ आपको अवश्य लेना ही चाहिए। उसके बाद देखिए हम लगभग यहाँ मंगल बुध इन सब के बारे में, शुक्र के बारे में बात कर ही चुके हैं, तो अब गुरु के बारे में बात करते हैं। और गुरु का जो ट्रांजिट है देखिए इस मंथ में ही चेंज हुआ है और ये आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। तो देखिए जो गुरु हैं वो आपके 9th लॉर्ड और 12वें घर के वो स्वामी बनते हैं। इन दोनों भावों के स्वामी होकर गुरु का जो गोचर होगा अब 1 तारीख से गुरु चेंज हो जाएंगे, वृषभ में चले जाएंगे। ये आपके धन संबंधी स्थितियों के लिए बहुत ही अच्छा शानदार गोचर रहने वाला है। साथ ही साथ अगर आप अपना कार्य क्षेत्र चेंज कर रहे हो या कुछ अपने प्रोफेशन वाइज कुछ चेंज कर रहे हो तो इस समय आप कर सकते हो। तो अब आपको एक बेटर रिलीफ मिलेगा और क्योंकि गुरु की जो दृष्टियाँ आ रही हैं वो भी आपके करियर में बहुत अहम योगदान देने वाली। अब धन संबंधी मामले या आप प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में काफ़ी लकी रहेंगे इस मंथ में। इसके साथ साथ आप ऐसा सोच रहे थे जैसे कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे या फैमिली के साथ जो रिलेशंस थे आपके वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड थे, तो ये जो समय है इसमें आप थोड़ा समय निकाल सकते हो, अपने फैमिली के साथ थोड़ा बहुत आप स्पेंड कर सकते हो टाइम यहाँ पर। अब जो गुरु है, गुरु यहाँ से देख रहे हैं आपके 6ठे भाव को, और जब भी 6ठे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है गुरु आपको अपने ज्ञान के माध्यम से और अपने विवेक के माध्यम से आपको यहाँ काफ़ी सपोर्ट करेंगे। अगर आप अपने डेली लाइफ से जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं या कार्य क्षेत्र में अगर रुकावटें आ रही हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी बेटर हो सकता है। तो आप अगर अभी अपने करियर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा मंथ है आपके लिए, बहुत अच्छा मौका भी इस मंथ में आपको मिल रहा है। इसके साथ साथ गुरु का जो दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पे है। गुरु का दृष्टि 8वें भाव पे होने की वजह से अगर पैतृक संपत्ति या इनलॉज से आप कोई मदद चाहते हो तो इस समय प्लान कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे अर्निंग्स इस मंथ में हो सकती है जिसके लिए आपने कोई बहुत ज़्यादा फिजिकली प्रयास ना किया हो लेकिन अपने ज्ञान का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया हो। उसके बाद गुरु देख रहे हैं 10वें घर को, और 10वें घर को जब गुरु ऐसी स्थिति में देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस मंथ में आप अपने करियर में कुछ ना कुछ चेंज एक्सपेक्ट करके चल सकते हो।
और कोई बहुत अच्छा डिसीजन आप ले सकते हो, बट क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो इस मंथ में काफी खराब स्थिति में है, वो अंगारक दोष बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हम देखेंगे शनि को। शनि जो कि आपके 10वें घर और 11वें घर के स्वामी होकर फिलहाल शनि आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो एक बहुत ही बेटर स्थिति बनी हुई है शनि की यहाँ पर। तो शनि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं देने वाले हैं। ऑलरेडी शनि का जो ट्रांजिट है अभी तक शनि काफी बेहतर आपके लिए करते आ रहे हैं जब से ये कुंभ में आए हैं, तो इस समय शनि से आप एक बेटर उम्मीद कर सकते हैं और इवन आपको दूसरे जो प्लेनेट है उन पे भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये मंथ आपके करियर में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, एक बहुत बड़ा अवसर आपके करियर में लेकर आ सकता है, तो आपको अब बस एक प्रॉपर प्लान करने की जरूरत है अपने करियर के लिए और इंडिविजुअली भी। इसके साथ साथ आपको कोई अगर ट्रेवल करना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल फैमिली के साथ अगर करना है, तो उसके लिए भी आप प्लान कर सकते हो। इसके साथ ही जो शनि है यहाँ आपको मदद करेंगे धन संबंधी मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासित होने के लिए या आपकी समझ बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ट्रांजिट रहेगा। अब देखिए, हम राहु केतु के बारे में पहले ऑलरेडी काफ़ी चर्चाएं कर चुके, तो इनके बारे में कोई खास यहाँ चर्चा नहीं होने वाली है। इसके बाद अब हम देखेंगे कौन कौन से अच्छे और ख़राब दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में आने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमने अच्छे दिन आपके लिए निर्धारित किए हैं, जो आपके लिए अच्छे दिन जो निकल के आ रहे हैं मई महीने में, वो 8, 9, 13 से 17 तारीख तक और 25 और 26, ये दिन बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। इन दिनों में उन कार्यों को करिएगा जिनमें आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जो बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं ऑलरेडी। इसके बाद देखेंगे कुछ खराब दिन। खराब दिनों में अगर देखें तो सबसे पहले जब चंद्रमा गोचर करेंगे 18 और 19 को आपके छठे भाव में कन्या राशि में, ये समय काफ़ी स्ट्रेसफुल रहेगा ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ केतु का ट्रांजिट भी है, तो आपका कोई रॉन्ग डिसीजन हो सकता है, इवन अपने डेली लाइफ को अच्छे से प्लान नहीं कर पाएंगे, काफ़ी स्ट्रेस फील करेंगे, किसी भी काम को करने में आपका मन काफ़ी घबराएगा और एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी आप डेवलप नहीं कर पाएंगे इस समय में। उसके बाद चंद्रमा जब गोचर करेंगे 8वें भाव में वृश्चिक राशि में, 23 और 24 का ये जो समय है अचानक से धन लाभ दिला सकता है। इस 23 और 24 को आपको अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस रहना, पारिवारिक कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। साथ ही साथ चंद्रमा का गोचर जब 12वें भाव में होगा तो 4, 5 और 31 तारीख को होगा, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। चंद्रमा का 12वें भाव में होना इस स्थिति में आपसे कोई बहुत गलत डिसीजन हो सकता है फाइनेंशली या इंडिविजुअली, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा आने की वजह से या ऐसी स्थिति में आप कोई रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो। तो ये हमने डिस्कस किया है ऑलमोस्ट, ये जो मंथ है आपके लिए रिलेशनशिप वाइज, आपके करियर वाइज, आपका अगर फॉरेन टूर है, फॉरेन ट्रिप अगर कोई है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब आपको डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी इस मंथ में, तभी जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल होने की उम्मीद कर सकते हो। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।